तो गाइस यार अभी अभी मैंने टीवी पर न्यूज देखी और मुझे पता चला कि आज बारिश होने वाली है। तो आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, पर समझ नहीं आ रहा, इतने बादल भी नहीं है, पूरा का पूरा सूरज निकला हुआ है, कहां से होगी बारिश मुझे समझ नहीं आ रहा। ये टीवी वाले ना कुछ भी बोलते रहते, अभी बारिश कैसे हो सकती है, इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, मुझे नहीं लगता कोई बारिश वारिश होने वाली है। हैला मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गया, ये लिटिल सिंघम का बच्चा तो बहुत ही मोटा है। अरे भाई साहब इधर मेन रोड जाने का रास्ता, अरे भैया आगे जाके लेफ्ट। ओके भाई साहब, थैंक यू भाई साहब, चल लिटिल सिंघम के बच्चे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कैसे कैसे लोग हैं लॉस सैंटोस में, उनको अभी तक लॉस सैंटोस का रास्ता भी नहीं पता, पर कोई बात नहीं मैंने उनकी मदद कर दी है। पुलिस की वर्दी शेर का दाम, मेरा बच्चा ले गया वो क्रिस सिंघम। अरे भाई साहब आपने किसी क्रिस को यहाँ पे जाते हुए देखा क्या, वो मेरा बच्चा किडनैप करके चला गया। क्या आपका बच्चा किडनैप करके चला गया? हाँ उसने मेरे से रास्ता पूछा और मैंने उसको रास्ता बता दिया, सामने गया है। क्या आपने उसको रास्ता बता दिया? कहाँ का रास्ता पूछा था उसने? उसने मेन रोड का। मेन रोड का? मेरे बच्चे को वो कहाँ पर लेके जाना है? मेरे बच्चे, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया और वो क्रिश भी पता नहीं कहाँ चला गया। पुलिस की वर्दी शेर कदम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम, तुम्हारे चक्कर में मेरा बच्चा गायब हो गया। मेरे चक्कर में? अरे मैंने क्या किया? अगर तुम उस क्रिश को पकड़ लेते और रास्ता ना बताते तो वो इधर ही रह जाता और मैं उसे अपना बच्चा बचा लेता। अरे पर मुझे तो ना पता था वो आपका बच्चा है, मुझे सपने तो ना आ रहे। अच्छा ठीक है, पर आप टेंशन मत लो, मैंने उसको रास्ता बताया, मतलब मेरी गलती, मैं आपकी मदद करूंगा। आओ मेरे साथ बाइक बैठो, आपके बच्चे को अभी के अभी ढूंढते हैं। अरे थैंक यू भाई साहब, जल्दी चलो, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मेरा बच्चा। अरे सर आप टेंशन मत लो, आपके बच्चे को हम ढूंढ लेंगे। आपके बच्चे का नाम क्या है? पुलिस की वर्दी शेर कदम, मेरे बच्चे का नाम है बेबी लिटिल सिंघम। अरे इतना बड़ा नाम है क्या? अरे नहीं नहीं, उसका नाम है बेबी लिटिल सिंघम। अच्छा बेबी लिटिल सिंघम, बेबी लिटिल सिंघम कहाँ पर हो? बेबी लिटिल सिंघम, मुझे लगता है वो क्रिश का बच्चा मेरे बच्चे को लेके भाग गया, मुझे लगता है वो सामने वाली गाड़ी में, पकड़ो उसको। क्या सामने वाली गाड़ी में? अबे रुक जा, गाड़ी वाले क्रिश के बच्चे बाहर निकल, जल्दी पकड़ो उसको, जल्दी पकड़ो। अरे सर आप टेंशन मत लो, हम उसको पकड़ लेंगे। क्रिश बाहर निकल। अरे इसमें क्रिश तो नहीं, इसमें तो अंकल घूम रहे हैं। मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मेरा बच्चा? अरे अंकल आप टेंशन मत लो, हम उसको ढूंढ लेंगे। आखिरकार मैंने लिटिल सिंघम के बच्चे को पकड़ ही लिया। लिटिल सिंघम हमेशा बोलता रहता कि वो ज्यादा पावरफुल है, मुझे पता है वो ज्यादा पावरफुल है, पर आज के बाद वो ज्यादा पावरफुल नहीं रहेगा क्योंकि मैं उसके बेटे का डीएनए लेके अपनी ईविल क्रिश आर्मी बनाने वाला हूँ जो कि पूरे लॉस सैंटोस पे राज करेगी, क्योंकि उनमें लिटिल सिंघम का डीएनए, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाले। अंकल मुझे छोड़ दो, अंकल मुझे छोड़ दो। बच्चे तू तो बिल्कुल नहीं बचने वाला, चलो शुरू करते हैं, इसका डीएनए लेना शुरू करते हैं और फिर क्रिश आर्मी बनाते हैं। बेबी लिटिल सिंघम और मेरा डीएनए मिक्स होके पूरी क्रिश आर्मी बनने वाली है, फिर मैं लॉस सैंटोस पे राज कर पाऊंगा। आखिरकार मेरी पूरी आर्मी बन गई। ये लोग तो बहुत ही खतरनाक है, लिटिल सिंघम का डीएनए मिलने से ये बहुत ही खतरनाक और पावरफुल हो चुके हैं। सबके सब मेरी बात सुनो, हमें इस पूरे लॉस सैंटोस पर कब्जा करना है और लॉस सैंटोस में कब्जा करने के लिए तुम सबको सबसे पहले जाके लिटिल सिंघम को पकड़ना है और उसको अपना बंदी बना लेना है, फिर सारे एवेंजर्स को भी, ताकि इस लॉस सैंटोस को कोई ना बचा पाए। हा हा हा, ये पूरा लॉस सैंटोस मेरा होके रहेगा। अरे बेटा कहाँ पर हो तुम? बेबी लिटिल सिंघम कहाँ पर हो तुम? अरे ये तो कहीं पर मिल ही नहीं रहा। अरे अब क्या होगा, मेरा बेटा कहाँ पर मिलेगा? हैला हमारे बॉस का टारगेट मिल गया, आ जाओ पकड़ो इसको। अरे ये लोग कौन है? हैला हमको क्रिश सर ने भेजा है और हम लिटिल सिंघम को पकड़ने आए हैं। क्या क्रिश ने? मेरा बेटा कहाँ पर है और ये इतने सारे क्रिश कहाँ से आ गए, तीन तीन मुंडी और पंखों वाले? हमने तुम्हारे बेटे का डीएनए यूज करके ये खतरनाक सी क्रिश आर्मी बनाई है। अरे कैसर, ये क्रिश आर्मी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लो इसको। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हैला लगता है ऐसे नहीं मानेगा, चल मेरे साथ।
हमारे बॉस ने बोला है कि तुमको उनके पास लेके जाना है। चलो सिपाहियों, हमने लिटिल सिंघम को पकड़ लिया। अरे मुझे छोड़ दो, पुलिस की वर्दी शेर कदम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम। हमारे बॉस बनाएंगे तेरी च्युइंगम। भाईला मैं तो बोल रहा हूँ इसको भी पकड़ लेते। नहीं 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 नहीं, पकड़ो इसको। अरे भागो, ये लोग तो मुझे भी पकड़ने लग गए। लिटिल सिंघम को तो उठा के ले गए, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? जल्दी जल्दी भागो, एक काम करते यहाँ से जंप कर लेते, भागो जल्दी जल्दी। तो काइजर, उससे पहले कि वो इविल क्रिश मुझे पकड़े, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। पहले लिटिल सिंघम के बेटे को पकड़ा और फिर लिटिल सिंघम को पकड़ लिया। मुझे उनकी मदद करनी पड़ेगी। पर वो लोग सही में बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मुझे मदद चाहिए एवेंजर्स की। फटाफट से एवेंजर्स हाउस चलते, क्योंकि सिर्फ एवेंजर्स ही है जो कि मेरी मदद कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये तो मेरा भी पीछा रहे, भागो। A few moments later. तो काइजर, आखिरकार अभी हम आ चुके हैं एवेंजर्स मेंशन पर। अभी मैं यहाँ पे आते आते मुझे पता चला कि पूरे के पूरे शहर में ये लोग फैल चुके हैं। ये क्रिश के जो बच्चे, ये जो क्रिश की पूरी आर्मी, वो पूरे के पूरे शहर में फैल चुकी। हैला, ये कहाँ से आ गया? पकड़ो इसको। नहीं 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 नहीं, भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी भागो, जल्दी भागो। ये क्या, ये एवेंजर्स मेंशन पर क्या कर रहे हैं? मैंने सोचा था एवेंजर्स मेंशन सबसे ज्यादा सेफ जगह है, पर ये तो एवेंजर्स मेंशन पे आ चुके हैं। पर एक सेकेंड, ये सामने हल्क क्या कर रहा है? हल्क, थोड़ा पास जाना पड़ेगा। अरे हल्क, हल्क नीचे आ। अरे क्या हो गया, जल्दी बोलो। अरे हल्क तू ऊपर क्या कर रहा है? अरे फ्रैंकलिन, तुम्हें नहीं पता क्या, हमारे एवेंजर्स मेंशन पर खतरनाक इविल क्रिश का अटैक हो गया है। क्या अटैक हो गया? हाँ, उन्होंने एवेंजर्स मेंशन पर कब्जा कर लिया है और सारे एवेंजर्स को भी पकड़ लिया है। अरे तुम तो एवेंजर्स हो, तुम तो उससे लड़ सकते हो। आयरन मैन लड़ने गया था, पर उसको मार मार के हड्डी पसली तोड़ दी उसकी। उनका बॉस सही में बहुत खतरनाक है, आ जाओ देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो कैसर, अभी आप देख सकते हो हल्क और मैं अभी छुप छुप कर देख रहे हैं क्या चल रहा है वहाँ पर। हाइला, मुझे सारे के सारे एवेंजर्स मिल गए, पर वो हल्क का बच्चा कहाँ चला गया? एक बार वो हल्क मुझे मिल जाए, फिर मैं इन सारे के सारे एवेंजर्स और इस लिटिल सिंघम का डीएनए मिला के अपने आप को दुनिया का सबसे खतरनाक इविल क्रिश बना दूंगा, फिर मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। तुमने सुना फ्रैंकलिन, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो सारे के सारे एवेंजर्स को मिला के खुद को अपग्रेड कर लेगा, फिर उसे कोई नहीं हरा पाएगा। अरे हल्क अब क्या करें, हमें सारे के सारे एवेंजर्स, लिटिल सिंघम और पूरे लॉस सैंटोस को बचाना पड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे दिमाग की बत्ती तो नहीं चल रही, तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ। क्या करे, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। बताओ। हम दोनों तो कुछ नहीं कर सकते, पर एक जगह है जहाँ पर हमें इसका इलाज मिल सकता है कि हमें क्या करना चाहिए। कौन सी जगह? YouTube। मैं YouTube पे जाकर सर्च करता हूँ कि हम इन खतरनाक इविल क्रिश को कैसे हरा सकते हैं, फिर वहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, सर्च करो। अच्छा ठीक है, फटाफट से मैं सर्च करता हूँ। तो कैसर, अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं YouTube पर, और हमें यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा कैसे हराएं इविल क्रिश को। तो फटाफट से सर्च करते इविल क्रिश को कैसे मारे और सबको बचाए, क्योंकि हमें क्रिश को मारना है और पूरे लॉस सैंटोस को बचाना भी है, और वो सही में बहुत ही खतरनाक है। चलो फटाफट से सर्च करते हैं। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो हमें वो वीडियो मिल चुकी है, यहाँ पर लिखा हुआ है इविल क्रिश को कैसे मारे और सबको बचाए, जो कि हमने सर्च किया था वो हमें यहाँ पर वीडियो मिल चुकी है। 1 मिनट की वीडियो है, देखते हैं इसमें क्या बताया है, कैसे हरा सकते हैं उन खतरनाक इविल क्रिश को। आप भी परेशान है इस खतरनाक से इविल क्रिश वायरस से, जो कि पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में फैल चुका है और पूरे लॉस सैंटोस को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, हम परेशान हैं। क्या आप इन खतरनाक क्रिश को मारना चाहते हो? हाँ, हम मारना चाहते हैं। क्या आप इन सबका सॉल्यूशन चाहते हो? अरे हाँ भाई हाँ, हमें इनका सॉल्यूशन चाहिए। तो आप आए हो बिल्कुल सही चैनल पर। तो आपको चाहिए दो सामग्री, सबसे पहले एक लिटिल सिंघम और दूसरा का।
चुका है सर, अभी मुझे सब चीजों का सॉल्यूशन पता चल गया है। और इन्होंने बोला था अगर मैंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ये लोग मुझे मारने वाले हैं, तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब मैंने कर दिया। आप भी फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया तो, क्योंकि मैं भी आपको मारने आ जाऊंगा। चलो फटाफट से हल को बताते हैं। तो गाइस सर, अभी मेरे यूट्यूब पर वीडियो देख लिए और मुझे पता चल चुका है कैसे हम हरा सकते हैं ईविल क्रिश को। बताओ बताओ कैसे। तो हल्क मेरी बात ध्यान से सुन, ईविल क्रिश को हराने के लिए हमें चाहिए लिटिल सिंगम और ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड। क्या ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड, वो क्या होता है? अरे तो उसकी टेंशन मत ले, ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड मेरे घर पर पड़ा है, पर हमें लिटिल सिंगम चाहिए होगा जो कि केश के कब्जे में। लिटिल सिंगम को हम ला देंगे, बताओ उसके आगे क्या करना है? उसके आगे एक बार मुझे लिटिल सिंगम मिल जाए फिर मैं मैजिक बोर्ड पर लिटिल सिंगम को कम्बाइन करके इतना खतरनाक लिटिल सिंगम बनाऊंगा जो कि इस क्रिश को पूरा का पूरा खत्म कर देगा। पर हम लिटिल सिंगम तो कैसे पहुंचेंगे, वहां पर तो बहुत सारे क्रिश के आदमी खड़े हैं। ये काम लगता है मुझे ही करना पड़ेगा, मैं सारे क्रिश के आदमियों की ध्यान भटकाता हूँ, तुम लिटिल सिंगम को लेके जाके भाग जाना। अरे पर ऐसा कैसे होगा, अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे भी पकड़ लेगा और तुम्हें भी। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये करना ही पड़ेगा। मैं जाके उसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम लिटिल सिंगम को लेके भाग जाना। क्रिश के बच्चे मैं आ गया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हैला ये क्या, ये हल्क का बच्चा तो खुद ही मेरे सामने आ गया। हल्क मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरे सारे के सारे साथियों हल्क को पकड़ो। आ जाओ, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। तो गाइस सर अभी यही टाइम है, जल्दी से नीचे चलते हैं। हल्क ने पूरा का पूरा ध्यान उनका भटका दिया है, यही टाइम है लिटिल सिंगम को वहां से लेके निकलने का। जल्दी जल्दी चलते हैं, इन सबको जेल में डाल रखा है वरना मैं इनको भी ले लेता, पर अभी सिर्फ लिटिल सिंगम को लेके जाना है। चलो गाइस सर अभी हमें लिटिल सिंगम मिल चुका है, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, जल्दी से जल्दी। बस जितना जल्दी हो सके मुझे इस एवेंजर्स हाउस से गायब होना है ताकि क्रिश को बिल्कुल कुछ पता नहीं चले। आइला हेल्प, तूने क्या सोचा था, तू बच जाएगा, इस हल के बच्चे को भी मैंने मार दिया है, अब ये सारे के सारे एवेंजर्स को मैंने जेल में डाल दिया है, वो लिटिल सिंगम कहाँ गया? चलो छोड़ो इसको, अब मैं अपनी पूरी क्रिश सेना को इसके अंदर डालूंगा और इन सब का डीएनए मिक्स करके ऐसी पावर बनाऊंगा कि मैं दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिश बनने वाला हूँ। जल्दी शुरू कर दे एक्सपेरिमेंट। इनमें से कोई भी एवेंजर नहीं बचने वाला, मुझे खतरनाक पावर्स मिलने वाली है। अरे काइजर ये क्या, इस क्रिश के बच्चे ने तो हल्क को भी पकड़ लिया और ये कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहे, देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, अब मेरी शक्तियाँ बढ़ने वाली है। और ये क्या, मैं तो दुनिया का सबसे खतरनाक ईविल क्रिश बन गया। मुझे पता था ये एक्सपेरिमेंट जरूर काम करेगा, मैंने सारे एवेंजर्स की शक्तियाँ अपने में ले ली और मैं कितना खतरनाक क्रिश बन चुका हूँ। अब इस लॉस सैंटोस पर राज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं इस पूरे लॉस सैंटोस को खत्म कर दूंगा और इस लॉस सैंटोस में सिर्फ ईविल क्रिश ही रहेंगे, बाकी सारे लोगों को हम खत्म कर देंगे। अरे काइजर अभी आपने देखा कि वो क्रिश क्या बन चुका है, वो तो सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा बन चुका है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी। मुझे नहीं पता था कि क्रिश इतना भी खतरनाक हो सकता है, अब उसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पर काइजर अगर हमें लॉस सैंटोस को बचाना है और हमारे सारे प्यारे प्यारे एवेंजर्स को बचाना है तो हमें उसको हराना तो पड़ेगा ही, हमारे साथ लिटिल सिंगम तो है ही और साथ में मेरा मैजिक बोर्ड भी है जो कि मेरे घर पर पड़ा है, उस पर जाके मैं कुछ ऐसा खतरनाक बनाऊंगा ताकि मैं उस खतरनाक से जाइंट क्रिश को हरा सकूं। चलो फटाफट से अपने घर पर चलते हैं। A few moments later. तो काइजर अभी मैं वापस से अपने घर पर आ चुका हूँ। ये क्या, ये क्रिश का बच्चा मेरे घर पर क्या कर रहा है? मुझे लगता है उस ईविल क्रिश को पता चल चुका है कि मैं अपने घर पर लिटिल सिंगम को लेके जा रहा हूँ, तो मुझे इन सबको मारना पड़ेगा। ये ले, इसको फटाफट से मारते हैं। और ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे क्रिश घूम रहे, रुक जाओ, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, कहाँ भागोगे? जल्दी से अपनी आरपीजी निकालते हैं और इन सबको फोड़ते हैं। सालो ये लो, अबे तू इधर मेरे मुंह पे
कह रहा है निकल यहाँ से, इसको फटाफट से मारते हैं, इसको भी मारेंगे, इसको भी, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सारे के सारे क्रिश के बच्चे मुझे मारने आए थे ना, ये लो। तो इन सभी को तो अभी मैंने खत्म कर दिया और अपने घर पर आग भी लगा दी है, तो थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा वरना ये आग मेरे ऊपर लग जाएगी। और हमारा मैजिक बोर्ड भी यहाँ पर है। अरे एक सेकंड, ये आग तो बहुत तेज फैल रही है, थोड़ा सा आग को बुझाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आग को बुझाते हैं ताकि हम एक खतरनाक सी ड्रॉइंग बना पाए और इस पूरे लॉस सैंटोस को बचा पाए। ये आग तो बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रही है, इधर बड़े बोर्ड के ऊपर आग लगी, बोर्ड के ऊपर आग लगी, पूछा 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 पूछा, नहीं नहीं मेरा बोर्ड जल जाएगा तो मैं ड्रॉइंग किस पे बनाऊंगा, बच गए। तो गाइस अभी यहाँ से आग जा चुकी है और फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर आ चुकी है आग बुझाने के लिए। तो हमने अपने घर और हमारे मैजिक बोर्ड को जलने से बचा लिया है। फटाफट से लिटिल सिंगम के कंबाइन करके एक ऐसी ड्रॉइंग बनाते हैं जिससे हम इस पूरे लॉस सैंटोस को उस क्रिश वायरस से बचा पाए। मतलब वो जो ईविल क्रिश है उसने वायरस फैलाया, सारे के लॉस सैंटोस लोग बनते जा रहे हैं खतरनाक ईविल क्रिश। चलो फटाफट से बनाते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं अपने ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड पर, और गाइस यहाँ पे हमारे साथ लिटिल सिंगम भी है। तो लिटिल सिंगम और हमको कंबाइन करके एक ऐसी ड्रॉइंग बनानी है जिससे हम उस खतरनाक से क्रिश को हरा पाए। और आपको याद होगा कि वो क्रिश कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो मुझे उसी साइज का कुछ बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं हम इसके फेस से। लिटिल सिंगम का फेस बनाएंगे, ऊपर इसकी पुलिस की टोपी होती है, तो फटाफट से वो टोपी बना देते हैं बड़ी सी। रुक जाओ, बिल्कुल ढंग से शेप देना पड़ेगा पुलिस की टोपी को, और यहाँ पर ये डन। और ये पुलिस की टोपी में यहाँ पर एक बैज भी बना हुआ है, तो फटाफट से उस बैज को भी यहाँ पर अपन बना देते हैं। और ये लिटिल सिंगम की हमने टोपी यहाँ पर कर दी है पूरी की पूरी कंप्लीट। अब इसके बाकी का मुंह बनाने, पर उससे पहले हम इसकी बॉडी बनाने वाले हैं। और एक सेकंड, मैंने सोचा है उस क्रिश की तरह खतरनाक इसके तीन तीन मुंह बनाने का, तो मैं इसके तीन तीन मुंह भी बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहला मुंह तो हमने बना दिया, अब बारी दूसरे मुंह को बनाने की। फटाफट से बनाते हैं यहाँ पर अपने लिटिल सिंगम का दूसरा मुंह। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लिटिल सिंगम होने वाला है, तीन तीन मुंह वाला लिटिल सिंगम किसी ने आज तक नहीं देखा होगा। वैसे तो मैंने तीन मुंह वाला क्रिश भी नहीं देखा था, वो आज दिखा है, तो ये भी आज ही देख रहे थे। फटाफट से बनाएंगे पुलिस की कैप, बिल्कुल सेम जो है ना, सेम वैसा का वैसा ये होने वाला है जैसा हमने पहला मुंह बनाया था। फटाफट से बीच में बनाएंगे एक लोगो, और इसके अंदर होगा ये बैच का जो होता है, और ये भी हमने कंप्लीट कर दिया लिटिल सिंगम का एक और मुंह। और यहाँ पर तीसरा और आखिरी मुंह भी बनाने वाले, तीन तीन मुंह वाला लिटिल सिंगम सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने वाला है। फटाफट से बनाएंगे इसकी कैप, बीच में बनाएंगे लोगो, और उसके बीच में बैच, और यहाँ पर इसकी पूरी टोपी हो गई कंप्लीट। तो गाइस तीन मुंह तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब बारी बाकी की पूरी बॉडी बनाने की। तो लिटिल सिंगम वैसे तो कोई मस्कुलर है नहीं, उसकी नॉर्मल सी बॉडी है, पर वो एक पुलिस वाला है, क्योंकि पुलिस की वर्दी शेर कदम, नाम है उसका लिटिल सिंगम। फटाफट से बनाते हैं, सबसे पहले उसका हाथ बनाएंगे, मैं सोच रहा हूँ उसको थोड़ा मस्कुलर बनाने की, तो यहाँ पर अपन उसको थोड़े डोले शोले देने वाले। और उसकी हाइट भी थोड़ी छोटी है, तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर उसकी अंगुलियां बनेगी और यहाँ पर वापस से डोले शोले। तो गाइस आप देख सकते हो लिटिल सिंगम का हाथ कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, और यहाँ पर बाकी उसकी बॉडी बनने वाली है, और इस साइड भी हम देने वाले बड़े बड़े डोले शोले, और यहाँ पर इसको अंगुलियां दे देंगे, और यहाँ पर इसके डोले शोले हो चुके हैं कंप्लीट, और यहाँ पर बाकी की इसकी बॉडी। तो आपको तो पता ही है हमारा लिटिल सिंगम यार पुलिस की पूरी यूनिफॉर्म पहनता है, तो हमें ये हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरी पूरी यूनिफॉर्म आने वाली है पुलिस की। तो फटाफट से पहले इसके पैर कंप्लीट करते, फिर हम इसकी यूनिफॉर्म भी बना देंगे। तो यहाँ पर लेके जाएंगे, यहाँ पर होने वाले इसके पुलिस के शूज, और यहाँ पर इसका पैर बन गया फिर से शू, और ये डन। तो गाइस अभी आप देख सकते हो ये यहाँ पर डन हो चुका है, अब इसकी पुलिस की यूनिफॉर्म बनाते हैं। पहले सबसे पहले हम इसको बेल्ट बनाने वाले, क्योंकि पुलिस वाले बेल्ट भी पहन गए, आपको पता ही होगा इसकी बेल्ट यहाँ पर पहनाते हैं, बेल्ट का बीच का बकल बन गया, और इनके हर इस साइड यहाँ पर गन पड़ी होती है, तो मैं यहाँ पर इसको गन देने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा खतरनाक पुलिस वाली गन बन चुकी है। और बाकी की इसकी पूरी की पूरी यूनिफॉर्म को फटाफट से बना देते हैं। यहाँ पर होगा कॉलर, यहाँ पे बनने वाला है पुलिस यूनिफॉर्म का कॉलर, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, पर हम फिर भी ट्राई करेंगे बिल्कुल सेम बनाने का। ये बन गया इसका कॉलर, और यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी शर्ट बन गई। तो गाइस मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है फटाफट से कमेंट करके बता दो। यहाँ पर इसकी पॉकेट होने वाली है, और यहाँ पर जेब, और गाइस आपको पता है यहाँ पर इनके स्टार्स होते हैं, तो हम यहाँ पे स्टार्स देने वाले, यहाँ पे हम लिटिल सिंगम को देने वाले एक, यहाँ पे हम लिटिल सिंगम को देने वाले एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे पांच पांच स्टार। तो फटाफट से बनाते हैं कि तीन,
ये 4 और ये 5, तो 5-5 स्टार हमने इस लिटिल सिंघम को दे दिए लिटिल सिंघम की पुलिस वाली ड्रेस पे। और इस शर्ट को यहाँ पर अपन कंप्लीट कर देते हैं, शर्ट यहाँ पर बंद होने वाली और बाकी का इसका नॉर्मल हाथ है। तो काइजर अभी हमारा लिटिल सिंघम लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस इसके मुंह को कलर करना बाकी है। और काइजर लिटिल सिंघम पहनता है अपना चश्मा, तो हम यहाँ पर बड़ा सा बढ़िया सा चश्मा बनाने वाले हैं जो कि लिटिल सिंघम जैसा बिल्कुल सेम सेम होना चाहिए। ये बन गया यहाँ पर चश्मा और यहाँ पर भी चश्मा बन गया और डन। तो एक मुंह पर तो बना दिया चश्मा, दूसरे मुंह पर भी बना देते हैं चश्मा, यहाँ पर बनाएंगे और ये भी डन। तो काइजर 2 मुंह के चश्मे बन गए और ये तीसरे और आखिरी मुंह के बारी, इस पर भी फटाफट से चश्मा बनाते एकदम बैटरी वाला चश्मा। और अब फटाफट से इसकी नाक बनाते हैं तीनों मुंह पे, यहाँ पर नाक, यहाँ पर नाक और यहाँ पर भी नाक, यहाँ पर नाक, यहाँ पर नाक और इसकी बढ़िया सी स्माइल, स्माइल और स्माइल। तो हमारा लिटिल सिंघम बिल्कुल डन हो चुका है, इसमें कलर करना बाकी है। पर उससे पहले एक और खतरनाक चीज बाकी है, इस लिटिल सिंघम को मैं इतना खतरनाक बनाने वाला हूँ कि ये उड़ भी पाएगा। तो मैं इसके विंग्स देने वाला हूँ खतरनाक खतरनाक। तो आप देख सकते हो एक विंग यहाँ पर बन गया, दूसरा विंग भी यहाँ पर फटाफट से बना देते हैं और ये भी डन। तो आप देख सकते हो लिटिल सिंघम के विंग्स बन चुके हैं और ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। चलो फटाफट से इसके अंदर कलर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम पुलिस की ड्रेस का कलर, जो कि होता है ये तो पूरे पूरा जहां जहां पर पुलिस की ड्रेस होती है वहां वहां पर हम पुलिस वाला कलर करने वाले। तो पुलिस की टोपी में भी यहाँ पर कलर होगा डन डन। और इसकी पूरी यूनिफॉर्म भी यही सेम कलर की होने वाली है, तो यहाँ पर इसके हाथ तो इधर नहीं करेंगे। और हमने यूनिफॉर्म में भी यहाँ पर कलर कर दिया, इनके बैज में हम करने वाले ब्राउन कलर, स्टार होने वाले एकदम गोल्डन कलर के। फटाफट से 5 स्टारों को हम करने वाले गोल्डन कलर का और ये भी हमने डन कर दिया। और ऑरेंज कलर की इनकी बेल्ट होने वाली और इनकी गन होने वाली है डार्क कलर की और इनके जूते भी होने वाले हैं ब्राउन कलर के। तो सर आप देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक ये ऑलरेडी लगने लग चुका है। और फटाफट से लिटिल सिंघम की बॉडी का कलर भी कर देते हैं। तो सर अभी पूरी यूनिफॉर्म पे ये वाला कलर कर दिया, पर स्किन कलर कौन सा होगा, इसकी स्किन पे भी तो कलर करना है, इसलिए मैं पूरी यूनिफॉर्म का कलर चेंज करने वाला हूं इस वाले कलर में, ये ज्यादा अच्छी लग रही है और फिर मैं इसकी बॉडी पर भी कलर कर पाऊंगा। चलो फटाफट से हमने इन सबको कलर कर दिया, अब लेंगे हम स्किन कलर, उससे पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब लेते हैं स्किन कलर और इनकी पूरी बॉडी पर कर देते हैं, इसके मुंह पे, यहाँ पर तीनों मुंह के अंदर भी कलर हो गया, इसकी गर्दन के अंदर भी कलर कर देते हैं। और गाइस कलर पूरा यहाँ पर डन हो चुका है और इनके विंग्स में भी हम कलर करने वाले हैं येलो कलर। आप देख सकते हो कितने ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। अब हम लेंगे थोड़ा सा डार्क कलर इनके यहाँ पर पट्टियों में कर देंगे और चश्मों में हम करने वाले काला कलर, जो काले कलर के चश्मे पहनता है हमारा लिटिल सिंघम। अब बस यार इन लोगों में कलर करना बाकी और आप देख सकते हो हमारा लिटिल सिंघम पूरा का पूरा रेडी हो चुका है एकदम खतरनाक बन के। तो इसकी हम पावर बढ़ाने वाले वो करेंगे ऐसे, पावर इनटू 100 नहीं 1000, पावर इनटू 1000 हमने कर दिए। हमारी ड्राइंग पूरी की कवरी कंप्लीट हो चुकी है लिटिल सिंघम की और ये ड्राइंग बनाई है दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने। चलो फटाफट से इसको रियल लाइफ में लाते हैं। और काइजर आप देख सकते हो फाइनली हमारी ड्राइंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और मैं कितना ज्यादा बड़ा बन चुका हूँ। आप देख सकते हो इस नदी के अंदर सिर्फ मेरे पैर डूब रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा गहरी है, मतलब इसमें 50-60 कार भी डाल दोगे ना तो वो दिखेगी भी नहीं। हम हो चुके हैं बहुत ही ज्यादा बड़े और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आप देख सकते हो मैं कैसे यार बिल्डिंगों के ऊपर से छलांगे मार रहा हूँ, मैं सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और अब वो क्रिश का बच्चा मुझसे नहीं बचने वाला, उसने लॉस सैंटोस वालों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर लिया, पर अब उसको खत्म करने की बारी आ चुकी है। उस क्रिश वायरस को आज हम अलविदा कहने वाले हैं। आ रहा हूं मैं क्रिश के बच्चे, क्रिश के बच्चे मैं आ चुका हूं तुझे खत्म करने और मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये लिटिल सिंघम तो बिल्कुल जोकर जैसा बन चुका है, तुम तो मेरे सामने बिल्कुल कमजोर लग रहे हो। वो तो अभी पता चलने वाला है कौन है कमजोर और कौन है ताकतवर। हाँ मैं हूँ ताकतवर और तुम हो कमजोर। लगता है इस क्रिश के बच्चे को पता नहीं पड़ेगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तो काइजर अभी मैं इस क्रिश के बच्चे से लड़ने वाला हूँ, आप हम दोनों में से किसको सपोर्ट कर रहे हो फटाफट से कमेंट करके बता दो। इसका मतलब है मेरा नाम कमेंट कर दो। अगर आप क्रिश को सपोर्ट कर रहे हो तो ही क्रिश का नाम लिखना।
वरना आप मेरा नाम भी लिख सकते हो। तो फटाफट से शुरू करते हैं ये खतरनाक सी लड़ाई और इस लॉस सैंटोस को बचा लेते हैं। लिटिल सिंघम के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आजा क्रिश, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझे कहाँ फेंक दिया, इसकी तो ऐसे की तैसी। इस क्रिश के बच्चे को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा लिटिल सिंघम। ये ले लिटिल सिंघम के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो कैसर क्रेशर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मुझे उठा उठा के इधर उधर फेंक रहा है, पर मैं इससे भी ज्यादा ताकतवर हूँ। इसको उठा के मैं बहुत ही दूर फेंक सकता हूँ। निकल यहाँ से, आप देख सकते हो कितना ज्यादा दूर फेंक दिया। मैं इस क्रिश के बच्चे को नहीं छोड़ने वाला। अरे कहाँ उड़ गया ये? ये ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझे बचाओ। ये क्रिश सही में बहुत पावरफुल है, पर कैसर मेरे अंदर लिटिल सिंघम की पावर है और यूट्यूब की वीडियो ने बोला था कि हम इसको हरा सकते हैं, तो हम इसको हरा के रहेंगे। कहाँ फेंक दिया मुझे, तेरी तो ऐसी की तैसी। ये ले क्रिश के बच्चे, अब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया है। तो कैसर अगर आप चाहते हो मैं इसको जल्दी से जल्दी हरा दूं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उससे मेरी पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी पावर्स बढ़ जाए और मैं इस क्रिश के बच्चे को हरा सकूं और इससे मार ना खाऊं। ये तो बहुत ही मार रहा है। रुक जाओ, मुझे सांस लेने की जरूरत है। अब मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है क्रिश के बच्चे, फिर से मार दिया। अब मुझे सही में बहुत गुस्सा आ चुका है। अब इसको लॉस सैंटोस से बाहर भगाने पड़ेगा, क्योंकि इसने आयरन मैन को बहुत मारा, स्पाइडरमैन, थैनोस, वांडा, कैप्टन अमेरिका, सबकी हालत इसने खराब कर दी और हमारे हल्क को भी खा गया था। पर अब ये बिल्कुल नहीं बचने वाला। केले निकल यहां से, अब इसका खत्म होने का टाइम आ चुका है। क्रिश का दी एंड होने वाला है, क्योंकि ये मेरे हाथों में आ चुका है और ये लॉस सैंटोस से बाहर जाने वाला है। या निकल यहाँ से। तो कैसर इस क्रिश का चैप्टर तो पक्का क्लोज होने वाला है। हैला, ऐसे कैसे, इतनी जल्दी नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लिटिल सिंघम। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये ले, इसको वापस उठाएंगे, वापस से दूर फेंकेंगे। रुक जा, इसको पानी में घुस के मारना पड़ेगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले लिटिल सिंघम। तो कैसर अभी आप देख सकते हो हमारी लड़ाई तो पानी के अंदर चलने लग गई है, कुछ दिखाई नहीं देना, पर मैं इस क्रिश के बच्चे को फिर भी नहीं छोड़ने वाला। अरे इसको पानी से बाहर लेके जाना पड़ेगा, सही में कुछ दिखाई दे रहा। रुक जा क्रिश के बच्चे, ये ले इसको मैंने मारा। इसको बराबर से कैच करते हैं, इधर आ, इसको लेके चलते हैं बाहर। तो कैसर अभी हम दोनों बाहर आ चुके हैं और अब इसका चैप्टर खत्म करने का टाइम आ चुका है। ये ले क्रिश, ये ले इसको मैं सही में खत्म करने वाला हूँ, निकल यहाँ से। तो कैसर इस क्रिश को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। रुक जा, ये ले, और आखिरकार मैंने इसको खत्म कर दिया। इधर इधर कहाँ जा रहा है? आयरन मैन, हल्क और वांडा को तो छोड़ के जा, निकल बाहर और इस क्रिश को यहाँ से फेंकते हैं। और ये गया सीधा, और ये हमारा क्रिश गया सीधा पानी में। तो कैसर इसी के साथ हमने पूरे लॉस सैंटोस को लिटिल सिंघम बन के बचा लिया है। और ये कोई नॉर्मल लिटिल सिंघम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लिटिल सिंघम है। और बाकी के सारे एवेंजर्स भी वापस आ चुके हैं और हमारा लॉस सैंटोस वापस से शांति भरा होने वाला है। तो कैसर आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पता ना कैसा लग रहा हूं मैं और कैसी लगी आज की वीडियो, फटाफट से कमेंट करके बता देना। और कैसर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाकर जॉइन फॉलो कर लो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।